प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस पर शुरू किए गए फिट इंडिया कार्यक्रम का युवाओं में विशेष असर देखने को मिल रहा है। फिट इंडिया कैंपेन से प्रेरित होकर हिमाचल की राष्ट्रीय स्तर की धावक एवं 2012 में परशुराम अवार्ड से सम्मानित पुष्पा ठाकुर व राष्ट्रीय एथलेटिक्स कोच राजेंद्र कुमार ने हमीरपुर के युवाओं को अधिक से अधिक खेलों की तरफ प्रेरित करने और उन्हें प्रशिक्षित करने का बीड़ा उठाया है। हमीरपुर के सिंथेटिक ट्रैक पर रोजाना सैकड़ों बच्चे और युवा विभिन्न खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। हाल ही में देखने में आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया अभियान के बाद अचानक सिंथेटिक ट्रैक पर खेलने वाले बच्चों और युवाओं की संख्या में इजाफा महसूस किया गया है। फिट इंडिया कार्यक्रम से जुड़कर जहां युवाओं में खेलों और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आई है, वहीं युवा देश का नाम ऊंचा करने के लिए संकल्परत हो रहे हैं। प्रसिद्ध धाविका पुष्पा ठाकुर का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो फिट इंडिया अभियान चलाया गया है वो बहुत प्रेरणादायक है और देश के प्रत्येक नागरिक को 24 घंटे में से कम आधा घंटा अपनी फिटनेस के लिए निकालना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो बी फिट प्रोग्राम चलाया हुआ है, अच्छा प्रोग्राम है ये। इसमें जो है पूरे देश के, मैं तो समझती हूँ, पूरे नागरिकों को जो है कम से कम 24 घंटे में से आधा घंटा जो है अपनी इस फिटनेस के लिए देना चाहिए, क्योंकि इससे ऐसा होगा कि देश के नागरिक फिट रहेंगे तो देश भी जो है वो आगे तरक्की करेगा। और हमारे जो ये युवा हैं, ये जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन है जो ग्रोइंग एज में है अभी, उनको भी ये बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम है। इसमें ऐसा है कि कम से कम अगर बच्चे खिलाड़ी ना भी बन पाए तो बुरी संगत और नशे वगैरह से तो दूर रहेंगे। इसमें जैसे हम जो हैं वो अपना योगदान दे रहे हैं, बच्चों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, हमें प्रधानमंत्री जी से प्रोत्साहन मिला है, हम भी आगे जाके बच्चों को जो है प्रोत्साहन दे रहे हैं। बच्चे ग्राउंड में आएंगे, फिट रहेंगे, देश प्रदेश के लिए मेडल ना भी जीत पाए तो कम से कम फिट रहेंगे, नशे वगैरह से दूर रहेंगे। राष्ट्रीय एथलेटिक्स कोच राजेंद्र कुमार का कहना है कि फिट इंडिया कार्यक्रम को लेकर युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और भारी संख्या में युवा खेल मैदान की तरफ रुख कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिट इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रखने में भी मदद मिलेगी। ये जो बी फिट प्रोग्राम श्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया हुआ है, ये प्रधानमंत्री हमारे देश के द्वारा, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिसके द्वारा हमारे देश के युवा नशे से दूर रह रहे हैं। और साथ में जो हमारे ग्राउंड पे दिन प्रतिदिन बच्चे प्रेरणा का स्रोत बन के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं, जो कि डिफरेंट इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके अपने हिमाचल का और अपने देश का नाम उज्जवल करना चाहते हैं, देश का नाम ऊंचा करना चाहते हैं। इसी के लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम जो चलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, हमीरपुर।